अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम जनरल साइंस का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम चैप्टर पढ़ रहे थे 5, उस चैप्टर के अंदर हम केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन किया था। इंट्रोडक्शन के अंदर हमने मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स का जिक्र किया था, फिर कंपाउंड्स का जिक्र किया था। हमने ये देखा था कि मैटर किसको कहते हैं। मैटर के बाद हमने फिर एलिमेंट्स के बारे में जाना था। एलिमेंट्स के बाद हमने कंपाउंड्स के बारे में जाना था। एलिमेंट्स के बारे में हमने ये कहा था कि जो मैटर होता है, जो मादा होता है, वो जुड़ता है और उसके नतीजे में एलिमेंट्स जनरेट होते हैं। फिर उन एलिमेंट्स के जुड़ने के नतीजे में कंपाउंड बन जाते हैं। मतलब जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक सिंगल एटम पर मुश्तमिल होते हैं, जिस तरह से हाइड्रोजन हो गया या ऑक्सीजन हो गया, ये एलिमेंट है। तो इन्हीं के जुड़ने के नतीजे में एक नया कंपाउंड जनरेट हो जाता है, जो दोनों का मिक्सचर होता है और उसकी अपनी मखसूस प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ से डिफरेंट होती हैं। तो नेक्स्ट हम फर्दर मूव करते हैं। फर्दर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन होता क्या है? केमिकल रिएक्शन इज़ द केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन सेट ऑफ केमिकल सब्सटेंस टू अनदर। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये कि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स मौजूद हैं। एक केमिकल किसी दूसरे केमिकल के साथ जुड़ता है, तो उसके जुड़ने की जो सलाहियत होती है उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। मतलब वो जो आपस में एक दूसरे के साथ इंट्रैक्ट कर रहे होते हैं, उस इंट्रैक्शन को हम केमिकल रिएक्शन का नाम देते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में हम फर्दर मूव करते हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन के नतीजे में कंपाउंड्स या केमिकल सब्सटेंसेस आपस में जुड़ रहे होते हैं, वो एक मखसूस अंदाज के साथ जुड़ रहे होते हैं। तो इसमें यह कहता है, एटम्स री अरेंज देमसेल्व्स टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। जब भी कोई रिएक्शन हो रहा होता है तो उसके अंदर जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, वो एक मखसूस अंदाज के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ते जाते हैं। तो उनके जुड़ने से पहले वो एक दूसरे को एक मखसूस अंदाज से अरेंज करते हैं, तो उनके अरेंजमेंट के नतीजे में एक नया कंपाउंड जनरेट होता है। तो उसमें हमारे पास एग्जांपल है कोल की, बर्निंग ऑफ कोल एंड नेचुरल गैस। जब कोल जल रहा होता है, कोल बेसिकली कोयला को ही कहते हैं, या फिर इसको हम सिंपली कार्बन का नाम देते हैं, और दूसरी नेचुरल गैस जिसको हम मीथेन का नाम देते हैं। मीथेन का फार्मूला CH4 होता है। तो वो यहाँ पे ये कहता है, बर्निंग ऑफ कोल एंड नेचुरल गैस आर द केमिकल रिएक्शन। अब बर्निंग ऑफ कोल के नतीजे में क्या होता है? बेसिकली हम पहले ये देखते हैं कोल होता क्या है। बेसिकली जो कोल है वो एक कार्बन है, मतलब केमिकली कोल इज़ कार्बन। तो उसके बाद हम उसकी मज़ीद प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं कि जो कोल है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। मतलब वो एक हमारे पास 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमारे पास 4th फॉर्म भी होती है जिसको हम प्लाज्मा का नाम देते हैं, लेकिन कोल हमारे पास सॉलिड स्टेट है। मतलब ये सख्त शेप है इसकी, सख्त फॉर्म में पाया जाता है, इसके बॉन्ड्स आपस में मजबूती के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट वो कहता है, इट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एंड इस ब्लैक इन कलर। अब इसका कलर की बात करते हैं, तो इसका कलर क्या हो गया? ब्लैक हो गया। पहले नंबर पे क्या आ जाएगा? कोल इज कार्बन, कि कोल कार्बन है। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? इट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? ब्लैक इन कलर, इसका कलर ब्लैक होता है। उसके बाद नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है? बर्निंग इज केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन। अब इसमें होता क्या है, जब कोयला जल रहा होता है तो बेसिकली कोल क्या है? हमारे पास कार्बन है ना, तो उस कोल के जलने के नतीजे में वही कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। मतलब ऑक्सीजन मिलेगी तो कार्बन बर्न होगा, वरना नहीं होगा। तो कार्बन का ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलने का जो अमल है, उसके नतीजे में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। अब इसमें दो तरह के रिएक्शन भी हो रहे हैं। तो अब हम अगर कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड इज कलरलेस गैस। कलरलेस गैस से क्या मुराद है? कि इसका कोई भी कलर नहीं होता, मतलब ये कलरलेस होती है। अब ये सारी क्या होंगी? इसकी प्रॉपर्टी होगी कि बर्निंग इज केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन, के जब कोल जल रहा होता है तो बेसिकली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा होता है, फिर ऑक्सीजन और कार्बन के जुड़ने के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? अब कार्बन डाइऑक्साइड एक कलरलेस गैस है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करें, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट फ्रॉम कार्बन, सी एंड ऑक्सीजन।
अब शुरू में हमने बात की कि कोई भी एलिमेंट होता है उसकी एक मखसूस प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है कार्बन, दूसरा ऑक्सीजन। जो कार्बन है हमारे पास उसकी एक मखसूस केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज है, दूसरी तरफ हमारे पास ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की भी अपनी एक मखसूस फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है तो उस कार्बन डाइऑक्साइड की जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो टोटली कार्बन ऑक्सीजन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होती है, क्योंकि जो हमारे पास न्यू कंपाउंड बन रहा है वो दो चीज़ों का मिक्सचर है। तो दो चीज़ों के मिक्सचर होने से मुराद ये नहीं हो सकता कि वो पहले वाले जो कंपाउंड जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उन्हीं की प्रॉपर्टीज रखता होगा, बल्कि वो अपनी अलग प्रॉपर्टी रखता होगा। इसके अलग वैलेंस पॉइंट होंगे, अलग इसका प्रेशर होगा, अलग इसका टेम्परेचर होगा, अलग इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी, उनकी बढ़ने की फोर्सेस डिफरेंट होगी। तो ये क्या हो गया, पहले वाले कंपाउंड से या पहले वाले जो कंपाउंड थे या जिन कंपाउंड से मिलकर जुड़े ये उनसे टोटल डिफरेंट होगा। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स के एटम एक दूसरे को अरेंज कैसे करते हैं। तो यहाँ पे द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एट फॉलोड। यहाँ पे मैंने डायग्राम बना दिए हैं मैं ये शो कराने के लिए कि एटम्स एक दूसरे को एक दूसरे के साथ अरेंज किस तरह से होते हैं। उसमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं रिएक्टेंट्स, दूसरी होती हैं प्रोडक्ट्स। अगर हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की बात करें तो वो सब्सटेंसेस जो आपस में जुड़ते हैं उनको हम रिएक्टेंट्स का नाम देते हैं। यहाँ पे दो रिएक्शन दिखाए गए हैं, पहले रिएक्शन में कार्बन और दो ऑक्सीजन के मालिक्यूल, कितने मालिक्यूल, दो, या दो ऑक्सीजन के एलिमेंट्स। अब कार्बन जब दो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो इसको हम रिएक्टेंट का नाम देंगे। अब ये क्या है, रिएक्टेंट है। अब हमने क्या कहा था कि कोल जलता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की मौजूदगी में कोल जल रहा है तो आगे मैंने लिख दिया कि बर्ने, बर्ने से क्या मुराद है कि कोल जला, उसके नतीजे में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई जिसमें एक कार्बन एटम दो ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ा हुआ होता है। जहाँ पे मैंने मेंशन ही किया हुआ जो कार्बन होता है वो चार बॉन्ड बना सकता है, ये उसकी एक केमिकल प्रॉपर्टी है कि कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा चार बॉन्ड बना सकता है। तो आप नेक्स्ट केमिस्ट्री में नाइन्थ क्लास में जाके पढ़ेंगे कि ये फिर चार बॉन्ड किस तरह से जुड़ते हैं, इसमें एक ऑक्टेट रोल होता है, उसके नतीजे में जो कंपाउंड पहले से मौजूद होता है वो अपनी स्टेबिलिटी को कायम रखने के लिए किसी दूसरे एलिमेंट या कंपाउंड के साथ जुड़कर एक नया मालिक्यूल नया कंपाउंड बना देते हैं। इस कैटेगरी को ऑक्टेट रूल का नाम देते हैं। ऑक्टेट रूल में बेसिकली जो हमारे पास किसी भी एलिमेंट के आखिरी मदार में शेल होते हैं उसमें वो अपने जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको पूरा करने की कोशिश करता है। तो उसके में क्या करता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को शेयर कर देता है या किसी दूसरे से ले लेता है। अब यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन मालिक्यूल है, तो इस तरह से ये भी इलेक्ट्रॉन को शेयर करके जलते हैं, फिर एक नया कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे पास प्रोडक्ट है। अब रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ऐसे सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन का हिस्सा हों या केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हो वो रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। अब यहाँ पर हिस्सा कौन ले रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन के जुड़ने के नतीजे में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। नंबर सेकंड है हमारे पास प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन, जो पहले रिएक्शन हुआ है रिएक्टेंट्स के नतीजे में उनके जुड़ने के नतीजे में जो न्यू कंपाउंड जनरेट हुआ है वो हमारे पास प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। इसी तरह से अगर हम कोई भी चीज़ अगर खुद से बना रहे होते हैं तो हम शुरू में फर्स्ट करें हम सैलड बना रहे हैं तो उसके अंदर हम वेजिटेबल्स डाल देते हैं, टमाटर डालते हैं, प्याज डालते हैं, घी डालते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, ये सारी चीज़ें रिएक्टेंट्स हैं। हम इसको पकाते हैं, इसमें भी बर्न का माल हो रहा है, इसको हम टेम्परेचर दे रहे हैं, फिर उसके नतीजे में वो चीज़ें पक रही हैं, पकने के नतीजे में हमारे पास एक नई चीज़ जनरेट हो रही है जिसको हम खाते हैं, हम जिसको सालन का नाम देते हैं। तो वो हमारे पास सालन क्या है, हमारे पास एक प्रोडक्ट है, हमने पहले रिएक्टेंट्स को डाला, उसके नतीजे में हमारे पास जो आउटपुट हासिल हुई वो हमारे पास
प्रोडक्ट भी जिसको हम खाते हैं, जो इस तरह से कोल के जलने के नतीजे में उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है वो एज अ प्रोडक्ट कंसिडर की जाती है। तो इसमें हम नेक्स्ट फर्दर मूव करते हैं, इसमें ये कहता है कि सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स एंड द सब्सटेंसेस विच आर फॉर्मड एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन आर नोन एज प्रोडक्ट्स। तो इसमें अगर हम फर्दर देखें तो व्हेन मीथेन बर्न्स इन एयर, अब यहाँ पे मैंने दो डायग्राम बनाई हुई है, एक कार्बन और ऑक्सीजन की, दूसरी मीथेन और ऑक्सीजन के रिएक्शन की। अब हमने इसके इस लेक्चर के स्टार्ट में पढ़ा के कोल भी जलता है, एग्जांपल में हमने देखा कि कोल होता है, दूसरा होता है मीथेन, बर्निंग ऑफ कोल एंड मीथेन। अब यहाँ पे हम मीथेन के बर्निंग का देखते हैं, जिस तरह से कार्बन के जलने में ऑक्सीजन यूज हुई है, इसी तरह से मीथेन के जलने में भी ऑक्सीजन यूज होगी। अब मीथेन क्या है, CH4 है, मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को बताया कि जो कार्बन है वो ज़्यादा से ज़्यादा चार बॉन्ड बना सकता है, तो चार बॉन्ड क्योंकि वो बनाता है इसलिए उसके साथ कोई भी अगर एलिमेंट आके जुड़ेगा तो वो उसकी तादाद भी चार ही होगी। मतलब कार्बन के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो कोई से चार एलिमेंट्स को अपने साथ जोड़ सकता है, तो यहाँ पे जो हमारे पास कार्बन है वो चार हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, उसके चारों कोनों पे चार हाइड्रोजन एटम मौजूद है, जब इसकी बर्निंग होगी तो उसमें ऑक्सीजन भी ऐड हो जाएगी, तो जैसे ही ऑक्सीजन उसके अंदर ऐड होगी तो कार्बन मीथेन के जो मॉलिक्यूल्स हैं CH4 वो टूट जाएंगे, उस तरह से ऑक्सीजन के चार मॉलिक्यूल आएंगे, तो वो जो चार मॉलिक्यूल्स हैं वो मीथेन के साथ रिएक्ट करेंगे, उस रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास एक बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड का कंपाउंड और दो बनेंगे वाटर के मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे मैंने ऊपर लिख दिया CH4+2O2, यहाँ पे 2O2 से क्या मुराद है, दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हिस्सा ले रहे हैं, फिर उनके नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हासिल होंगे, अब मीथेन और ऑक्सीजन का जो जुड़ने का मतलब केमिकल रिएक्शन के तरीके से, मीथेन चूँकि जल रही है तो ऑक्सीजन उसमें यूटिलाइज हो रही है, तो उस जलने के नतीजे में जो हमारे पास प्रोडक्ट हासिल हो रही है वो एक है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा है हमारे पास वाटर। तो हमारे पास एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल या कंपाउंड हमें हासिल होता है और दो वाटर के कंपाउंड हमें हासिल होते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सिंपल एक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के अंदर के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स किस तरह से बनते हैं और किस तरह से जुड़ते हैं। तो एक आपकी बुक में एक और एग्जांपल दी गई है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन किया गया, उस रिएक्शन के नतीजे में भी वाटर के मॉलिक्यूल जनरेट हो रहे हैं, तो वहाँ पे वो कहता है द अरेंजमेंट्स ऑफ एटम ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म लिक्विड वाटर इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। अब इस केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, उसमें जिसमें वाटर जनरेट हो रहा है उसके अंदर दो हमारे पास हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं और उसके साथ एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के अंदर फिर हम ऑक्सीजन के दो एटम हिस्सा ले रहे होंगे O2 की फॉर्म में, अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो ये इसके भी दो मॉलिक्यूल या दो एलिमेंट्स हिस्सा रहे हैं CH2 की फॉर्म में, तो CH2+O2 जब ये आपस में जुड़ेंगे, सिंपली जब आपस में जुड़ेंगे तो हमारे पास दो पानी के मॉलिक्यूल्स या वाटर के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे CH2O, जिस तरह से इस डायग्राम के एंड में मैंने दो बनाई हुई है कि एक ऑक्सीजन है दो हाइड्रोजन है फिर एक ऑक्सीजन है दो हाइड्रोजन है, इसी तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जुड़ने में भी इसी तरह के वाटर के मॉलिक्यूल्स जनरेट हो जाते हैं जिसको हम एज अ प्रोडक्ट कंसिडर करते हैं। मतलब जब भी हम रिएक्टेंट्स लेंगे, रिएक्टेंट्स के जुड़ने के नतीजे में हमारे पास हमेशा प्रोडक्ट्स ही हासिल होंगे। तो ये क्या हो गया, एक सिंपल केमिकल रिएक्शन हो गया कि मुख्तलिफ कंपाउंड्स आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के नतीजे में एक नया कंपाउंड जनरेट हो जाता है जिसकी अपनी मखसूस केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो उस एलिमेंट या कंपाउंड की पहचान करती है। ये था हमारा आज का टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक में हम एप्लीकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। थैंक यू।